हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम जी बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं जी रेशा कबाब। रेशा कबाब जी हम बनाएंगे जी बीफ से। इसके लिए मैंने ली है जी बीफ, और मैं आधा किलो ली है जी चने की दाल, और चार मैंने ली हैं जी बड़े साइज़ के आलू। अब हम इन सब चीज़ों को सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में कर लेंगे बॉयल। जी जनाब, तो प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाल दी है चने की। अब इसमें डालेंगे जी अपना बीफ, और आलू के भी छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल देंगे। जी जनाब, तो आलू भी शामिल कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जी जनाब, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सबसे पहले नमक एक चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम आधा चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी एक चम्मच भर के। अब इसमें शामिल करेंगे जी काली मिर्च आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे जी कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच भर के। साथ ही इसमें शामिल करेंगे जी गरम मसाला एक चम्मच। जब हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन एक चौथाई चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सूखा धनिया पिसा हुआ एक चम्मच भर के। जी जनाब, तब हम इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा चौथाई चम्मच। जी जनाब, तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और इनको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ें गल ना जाएं। जी जनाब, तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जी जनाब, तो मिक्सचर हमारा बन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक अंडा और सब्ज धनिया और पुदीना। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और शामियां बना लेंगे इनकी छोटी छोटी। जी जनाब, तो हमने छोटे छोटे कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। जी जनाब, तो पैन में हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें शामियां फ्राई करेंगे, यानी कि हमारे रेशा कबाब। जी, तो बेहतरीन से रेशा कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।